ऑन द इयर्स बॉलीवुड लवर बॉयज उनके हीरोइंस को अलग अलग अंदाज में रोमांस करते आए हैं। पता है कीत, पहले हीरोज किस करते थे तो दो झुके हुए फूलों के पीछे। अलोंग केम राजेश खन्ना जो ट्रेन का पीछा करते हुए उनकी हीरोइन को खुले आम सेरेनेट करते। Then of course there was lover boy Rishi Kapoor as in films like Bobby. फिर आई बारी खान्स की। क्यूट सी आमिर खान इन कयामत से कयामत तक, हंकी सलमान खान एस प्रेम एंड प्रेपी एस आर के एस राज स्लैश राहुल। पेश है बॉलीवुड लवर बॉयज कल, आज और कल। बॉलीवुड में ऐसे कई एक्टर्स हैं जिन्होंने लवर बॉयज के किरदारों में अपनी पहचान बनाई, यानी कि इन स्टार्स ने अपना करियर शुरू तो किया रोमांटिक फिल्मों में रोमांटिक किरदार निभाकर, मगर बाद में इनमें से कुछ एक्टर्स तो रोमांटिक रोल्स में ही अपने करियर को आगे बढ़ाते रहे, वहीं कुछ ने हर तरह के किरदार निभाकर अपनी एक्टिंग स्किल्स का नजारा पेश किया। एक एक्टर जिन्हें सभी रोल्स सूट करते हैं वो है मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान। आमिर जाने जाते हैं अपनी इंटेलिजेंट फिल्म मेकिंग और एक्टिंग के लिए, मगर एक दौर ऐसा भी था जब आमिर खान पेड़ों के आसपास गाना गाते नजर आते थे। जूही चावला के ऑपोजिट आमिर ने परफेक्ट लवर बॉय का किरदार निभाया फिल्म कयामत से कयामत तक में। हाय ला जूही चावला। फिर उन्हें ऐसे ही अवतार में देखा गया फिल्म दिल, रंगीला, राजा हिंदुस्तानी, गुलाम और दिल चाहता है में। सभी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका किया और आमिर को ऐसी ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया कि अब वो अपने रोल्स बहुत सिलेक्टिवली लेते हैं। क्या मैं बोलूं? वही हमारे इंडस्ट्री के ओरिजिनल हंग जिन्होंने अपनी पहली हिट दी फिल्म मैंने प्यार किया के साथ इन एन अल्ट्रा रोमांटिक रोल, और इस फिल्म से ही सलमान सबके दिलों पर छा गए और इसके बाद कई फिल्मों में उनका रोमांटिक साइड देखने को मिला और ये फिल्में कामयाब भी काफी रही। मगर सलमान का टैलेंट इन फिल्मों तक ही सीमित नहीं रहा और उन्होंने निभाए कई तरह के कैरेक्टर्स, और आज ये आलम है कि सल्लू जिस फिल्म में भी होते हैं वो बन जाती है सफलता की गारंटी। मजेदार बात ये है कि सल्लू कभी भी रोमांटिक फिल्मों से दूर नहीं रहे और बीच बीच में रोमांटिक फिल्में भी करते रहे। अभी भी सलमान तरह तरह के किरदारों को पर्दे पर जी रहे हैं। किरण से इंडस्ट्री में पकड़ बनाने वाले शाहरुख हैं इंडस्ट्री के मोस्ट वांटेड लवर बॉय। इनकी अदाओं और एक्टिंग स्किल्स पर तो सभी फिदा हैं। शाहरुख खान एक ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत से आज तक रोमांटिक लवर बॉय रोल्स किए हैं। दीवाना और डर जैसी फिल्मों में उन्होंने इंटेंस लवर के किरदार को बखूबी स्क्रीन पर दर्शाया। फिर उन्होंने दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दिल तो पागल है और कुछ कुछ होता है जैसी आउट एंड आउट रोमांटिक फिल्मों में अल्ट्रा रोमांटिक लवर बॉयज का किरदार निभाया। वहीं रिसेंटली उन्होंने ओम शांति ओम में एक बार फिर अपनी लवर बॉय इमेज को रेट्रो स्टाइल में पेश किया। शाहरुख खान अब नजर आएंगे एक और रोमांटिक फिल्म रब ने बना दी जोड़ी में, जहां वो एक 40 ईयर ओल्ड का किरदार निभा रहे हैं जिन्हें एक 16 साल की लड़की से प्यार हो जाता है, यानी कि किंग खान अभी भी हैं काफी रोमांटिक। क्रेजी फोर के आइटम नंबर में फीचर करके ऋतिक ने अपनी फीमेल फैंस की धड़कनें एक बार फिर बढ़ा दी हैं। मगर इंडस्ट्री के इस ब्लू आइड बॉय ने अपनी पहली फिल्म कहो ना प्यार है से ही बॉलीवुड पर ऐसा जादू चलाया कि हर कोई उन्हें प्यार करने लगा, और इतनी पॉपुलैरिटी के बारे में तो ऋतिक ने कभी सोचा भी नहीं होगा। लेकिन इसके बाद आई उनकी लवर बॉय इमेज वाली कुछ और फिल्में जो लोगों को कुछ खास पसंद नहीं आई, और इसी वजह से ऋतिक ने दूसरे किरदारों की तरफ रुख कर लिया और अब तो ऋतिक वर्सेटाइल रोल्स करने में बिलीव करते हैं। लेकिन अनडाउटेडली उनके लुक्स के साथ तो उन्हें लवर बॉय इमेज काफी सूट करती है। एक और हीरो हैं जिन्हें लवर बॉय रोल्स काफी सूट करते हैं। शाहिद कपूर ने फिल्म इश्क विश्क जैसी रोमांटिक फिल्म के साथ बॉलीवुड में डेब्यू किया और इंडस्ट्री को मिल गया एक और लवर बॉय। शाहिद इसके बाद भी कई फिल्मों में रोमांटिक किरदारों को जीते हुए नजर आए मगर कामयाब नहीं हो पाए। मगर पिछले साल उनकी एक्स गर्लफ्रेंड करीना कपूर के साथ आई जब वी मेट में एक बार फिर उन्होंने अपनी लवर बॉय इमेज को साबित कर दिया। वैसे भी शाहिद को ऐसे ही रोल्स ज्यादा ऑफर हो रहे हैं। इतना साफ है कि बॉलीवुड स्टार्स चाहे कितने भी किरदार पर्दे पर जी लें, रोमांटिक कैरेक्टर्स उनकी पहली पसंद होती है, और हो भी क्यों नहीं, इन्हीं किरदारों से तो उनकी फैन फॉलोइंग बनती है। नम्रता कुमार, जूम, मुंबई।